जम्मू कश्मीर असेंबली में जमकर हुआ बवाल। सत्र के चौथे दिन पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हुई हाथापाई। 370 के एक पोस्टर पर छिड़ा विधानसभा में घमासान। धारा 370 की वापसी के प्रस्ताव से जुड़ा है मामला। इंजीनियर राशिद के भाई ने सदन में लहराया पोस्टर। बेकाबू विधायकों को संभालने के लिए मार्शल को बुलाया गया। मार्शल ने विधायकों को घसीटकर सदन से निकाला बाहर। बीजेपी विधायकों ने पोस्टर पर किया सत्ता पक्ष का विरोध। स्पीकर से बहस करती दिखी बीजेपी विधायक शगुन परिहार। वेल और मेज पर चढ़कर बीजेपी विधायकों का हल्ला बोल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज पोस्टर ड्रामा हुआ है, जिसे देखकर हर कोई शर्मसार हो गया। सदन के अंदर संविधान की कसम खाने वाले विधायकों के बीच गली के गुंडों जैसे हाथापाई हुई है। ना सदन की गरिमा और ना ही पद का ख्याल। विधानसभा में कुछ हुआ तो सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी, धक्का मुक्की और हाथापाई। आखिर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये क्या हुआ, क्या था पूरा माजरा, चलिए आपको समझाते हैं। धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सत्र के चौथे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग के साथ साथ हाथापाई हुई है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सदन के अंदर मार्शल को बुलाना पड़ गया। दरअसल मामला सुबह सुबह का है। आपको बता दें, खुर्शीद अहमद शेख लंगेट विधानसभा सीट से अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक हैं। पीडीपी ने आर्टिकल 370 और 35 ए को फिर से बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था। जब इंजीनियर राशिद के भाई ने विधानसभा के अंदर 370 से जुड़ा एक पोस्टर लहरा दिया था, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने एक साथ खड़े होकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इंजीनियर राशिद के भाई पोस्टर को लहराते हुए वेल में आ गए और बीजेपी के विधायकों को दिखाने लगे। बस फिर क्या था, बीजेपी विधायकों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और जोर जोर से नारेबाजी शुरू हो गई। खुर्शीद अहमद शेख द्वारा दिखाए गए बैनर का बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने जबरदस्त विरोध किया। बीजेपी के 2 से 3 विधायक इंजीनियर राशिद की तरफ भागने लगे। इतने में वहां मौजूद मार्शलों ने बीजेपी के विधायकों की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन इसी बीच बीजेपी के एक विधायक ने इंजीनियर राशिद के भाई के हाथ से वो पोस्टर छीन लिया। इस पोस्टर को लेकर बीजेपी के विधायक अपनी कुर्सियों की तरफ चले गए और नारेबाजी करते हुए इस पोस्टर को फाड़ दिया। यह मामला यही नहीं रुका। इसके बाद बीजेपी की महिला विधायक शगुन परिहार को गुस्सा आ गया और वह कुर्सी पर चढ़ गई। कुर्सी पर चढ़ने के बाद उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष को खूब खरी खरी सुनाई। बीजेपी के विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने वेल में आके विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मार्शल ने बीजेपी के विधायकों को घसीटकर सदन से बाहर कर दिया। इसी बीच जोरदार तालियां भी बजने लगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और इस तरह की तमाम बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।